मेरे बच्चे लोग 2 दिन से खाए नहीं है, वो लोग पैसा नहीं देता था, बांध कर कैद कर कर रखा था मैं वहाँ पर, मतलब पैसा उसका ठीक से खर्चा नहीं दे रहा था, तो हम लोग केस किए। अच्छा। फिर उसको मार दिया, 2 दिन से खाए भी नहीं है हम लोग। समराला दे पिंड हिंडू बिच एक पठा मालक दे वलो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दे सामने ही गुंडागर्दी करन दा मामला सामने आया। इल्जाम ने के पठा मालक ने मजदूरां दी शर्म कुटमार कीती। वजह ए कि जिमे ही मजदूरां ने अपनी मेहनत दी कमाई मंगी तां पठा मालक उन्हां नूं खज्जल खुआर करदा रिहा। थक हार के मजदूरां ने उसदी पुलिस नूं शिकायत दित्ती, जिस तों बाद गुस्से च आए पठा मालक ने मजदूरां नूं कुटना शुरू कर दिता। क्या नाम है आपका? सीमा खंडेलवाल। अच्छा, आप हॉस्पिटल में आए हो, क्या हुआ बेटो? वहाँ पर भट्ठे में थे तो मालिक पैसा उसका ठीक से नहीं दे रहा था, और 4 हफ्ते से हमें बैठा कर वहाँ पर सब्जी खिला रहा था। कौन सा भट्ठा है? आरबी। कहाँ पे है ये? सिड्डो के पास। तो कितना वहाँ लेबर वाले है वहाँ पर? हम लोग उलाट पर ठहरे थे। अच्छा, मारा क्यों उन्होंने आपको? ओके, मतलब पैसा उसका ठीक से खर्चा नहीं दे रहा था, तो हम लोग केस किए और बोलते थे, तो वो बोलता था तुम्हारे जमादार को लेकर आओ, इतना पैसा लेकर गया है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। कितना टाइम से पैसा खड़ा है उसके ऊपर? बहुत दिन से। अच्छा। फिर उसको मार दिया। अच्छा। बोला ये जो माता जी पड़े हैं ये कौन है आपके? ये मेरी ननद की सास है। इनको भी चोट लगी है? हाँ, पेट में ऑपरेशन हुआ था। 2 दिन से खाए भी नहीं है हम लोग। अच्छा, अभी फिर क्या हुआ कल जब आए आपके पास तहसीलदार साहब? उनको मारा था तो फिर उन लोगों ने हमें यहाँ पर लेकर आए। वो लेकर आए तहसीलदार साहब लेकर आए? क्या कहना चाहते हो आप? हमें घर जाना है। घर जाना है आपने? हाँ। आपका घर वाला कहाँ पे है? बैठा, वो भी 2 दिन से नहीं खाए है। क्या कहना चाहते हो? मेरे बच्चे लोग 2 दिन से खाए नहीं है, वो लोग पैसा नहीं देता तो बांध कर कैद कर कर रखा था मैं वहाँ पर। बांध कर रखा था? हाँ, कैमरा लगाया हुआ था वहाँ पर। कुछ बोलते थे, हम आपके बाप को नौकर थोड़ी है बोलता था। हमें घर जाना है बस। हाँ, वही तो केस कर दिया बोल के उसको गुस्सा हो गया, इसीलिए है। ये तो कितना दिन बचा था? 2-4 हफ्ता बचा था, वो पूरा काम कर लिए थे हम लोग। कितना परिवार है वहाँ पे? वहाँ पे अभी अब 3 आ गए मान लो, अभी 6 और बचे हैं, 8 लेबर हैं, 8 इन लोग 2 है, इसीलिए बता रहा हूँ। उधर इस मामले च नायब तहसीलदार दे दसण मुताबिक उन्हां दे सामने ही पठा मालक ने मजदूरां नूं कुटना शुरू कर दिता ते अफसर शाही नाल भी दुर्व्यवहार कीता। ਐਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੋ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਦਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਐਡਰੈਸ ਫੋਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ। इस मामले च SHO ने कहा है कि पठा मालक के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया ते उसे अदालत विच पेश करके रिमांड भी लिया गया। इन्होंने उन्होंने खिलाफ मुकदमा जिहड़ा हैगा दर्ज करवा दिता, 353, 142, 186, 506, 16 बाउंडर लेबर एक्ट के तहत उन्होंने लड़के की गिरफ्तारी हुई है। हाँ जी, उन्होंने गिरफ्तार करके पेश अदालत कर दिता है। कितने के मजदूर थे जी? ये करीब 18 मैंबर से कुटमार हुई है, कोई हॉस्पिटल दाखिल हुई? हाँ जी, इन्होंने विचों एक लेडी ऑलरेडी बीमार सी, वो हॉस्पिटल दाखिल हुई है, एक जेंट्स दाखिल होया जी उत्थे जिन्हें कुटमार की। दस्या मजदूरों ने क्यों कुटमार की?
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।